मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पढ़ो यार, सवाल पढ़ो। सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं तुम्हारे सामने बस 2 ही मिनट में आ रहा हूँ। आई विल नॉट टेक मोर टाइम। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो सामने सवाल है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो आप लोग मुझे बताइए चैट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। आई एम बैक, आई विल बी बैक इन जस्ट I can say, थोड़ी देर में आ रहा हूं, बस ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं सिर्फ इतने में आप लोग जवाब दीजिए चैट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर होगा। सो कैन यू गाइज आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं? एंड यस यू कैन गाइज, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन है ये वाला, मैं तभी कहूं, ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसका जवाब आप लोगों को देना है। मैं तभी कहूं कि ये क्या हो रहा है, वही हो रहा है या कहीं हो रहा है? चलो तो आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। मैं आ रहा हूं बस 2 ही मिनट में। आई विल नॉट टेक मोर टाइम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस माइक सेट कर रहा हूं, ठीक है? आई एम कमिंग। ओके, हो गया। अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो सभी बच्चों ने आंसर दे ही दिया, क्या बात है, इसका क्या आंसर होगा? और आज ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, बेसिकली सोल्व करना है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है, और आई थिंक आप लोग रेडी हो गए। या कम ऑन, चलो तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बच्चों ने आंसर भी दे दिया, क्या बात है, क्या बात है। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, समड़ी सिंह बी, समड़ी सिंह सी, समड़ी सिंह बी और सी। कोई कह रहा है कि वाह, कुछ भी हो सकता है आंसर। तो चलो, बढ़िया बात है, माइक लग चुका है और आई थिंक मैं लाइव भी आ चुका हूँ, और बच्चों ने आंसर भी देने शुरू कर दिए हैं। अमेजिंग यार, तुम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो आजकल, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो चलो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल था आपके सामने, क्वेश्चन क्या लिखा था, द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल अमंग द फॉलोइंग। तो आज हमें इसी के बारे में, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन से, कि हम लोगों को आज बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करना है और आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करना है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट। और आज का ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ द सेशन दूंगा, ठीक है? जिससे मैं आपको पढ़ा भी लूंगा ये टॉपिक, और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हमको निकालने कैसे होता है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा आइडिया आप लोगों को दूंगा, ठीक है? इसके तरीके बहुत सारे हैं, एक आइडिया मैं अभी दे दूंगा, एक आइडिया मैं आप लोगों को वेस्पर थ्योरी के टाइम पे दूंगा। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बॉल एंगल अमंग द फॉलोइंग, H2O होगा या फिर BeF3 होगा या फिर अमोनिया होगा या फिर हमारे पास मीथेन गैस होगा। आंसर अभी इसी सेशन में आप लोगों को दूंगा। तो आपके आपके पैशन के लिए और आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली नीट 2022, किसको देखना चाहिए? ये स्पेशली जो हमारे रिपीटर बच्चे हैं उनको तो देखना ही है, क्योंकि उन्होंने अभी 2021 में एग्जाम देना है, ठीक है? आपका रिजल्ट 16 तारीख को आ जाएगा। जो बच्चे 12th में आ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो 11th में आए हैं उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे और बॉन्ड के पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नीट CBSE नीट के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक सर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो क से गलत बात है, सर से अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग से गलत बात है ना? सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अपनी फैमिली है यार, अपना परिवार है, और हमें इस परिवार को आगे लेके जाना है, और आप लोग समझते ही हैं कि इस परिवार, ये जो परिवार है, जो फैमिली है, बेसिकली 1.63 मिलियन है ना, 1.63 मिलियन की ये फैमिली हो चुकी है, और आपके प्यार की वजह से ऐसा हुआ है। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। गौतम भारद्वाज ने आज के सेशन को शुरू किया, बनाया है, स्लाइड्स बनाई है, सो थैंक यू सो मच गौतम भारद्वाज। चलिए आज के सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को वेदांतों का जो हमारा 2021 का जो लॉन्ग टर्म बैच है 2021 एंड 2022, बाय द वे बहुत सारे बच्चे हमारे वेदांतों के पेड प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हैं। पता है कौन से बच्चे स्पेशली पढ़ रहे हैं? दो तरह के बच्चे, एक तो वो जिनको यूट्यूब में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन फील होती है, ठीक है, वो बच्चे।
दूसरे आई कैन से वो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बच्चे भी, मुझे कहना नहीं चाहिए था, बट हाँ कई बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं और जिन्हें लगता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन फील होती है, तो वो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे भी जो टॉप रैंकर्स में आना चाहते हैं, वो बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब हर तरह के बच्चे वहां पर हैं। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और जो बच्चे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेदांतु हमेशा आपके साथ है। ये यूट्यूब के जितने भी सेशन होते हैं, आपको पता है यहाँ पे भी हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब पढ़ाते हैं। सो सारे सेशन आप लोग के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस यहाँ पे एक वन वे इंटरेक्शन है, मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, आपकी बात सिर्फ चैट में आप लिख सकते हो, टू वे इंटरेक्शन नहीं है। यूट्यूब का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो कि हमारे वेदांतों के पेड प्लेटफॉर्म में नहीं है। वहां पे आप लोग टू वे इंटरेक्शन कर सकते हो, टीचर आपसे बात भी कर सकता है, आपको देख भी सकता है, पता है, इसलिए वहां पर इतना मजा आता है ना, सच बताता हूँ। तो अगर आप लोग वाकई में उस टू वे इंटरेक्शन का मजा लेना चाहते हो, तो 2021 और 2022 का बैच वहां पे शुरू हो गया है। तो इन दैट केस आपको बताता हूँ क्या क्या है। 5000 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, 20 से ज्यादा टीचर्स, 5 से ज्यादा सालों का उन्हें एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन। और यहाँ पर आपका अगर कोई कमजोर एरिया आपको फील होता है कि नहीं यार ये मुझे आता नहीं है, तो वहां पे आप लोगों का एरिया को इम्प्रूव किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। और साथ ही साथ इस पूरे कोर्स में आपको माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। सो फटाफट से आपको क्या करना है, इट्स वेरी इजी, फुल एक्सेस मिलेगा आपको, पूरे तीनों सब्जेक्ट होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, मास से कॉन्सेप्ट बताया जाता है, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन भी है। और ये सारी चीजें आपको मंथली, अगर आप चेक करो, मंथली फीस है 4,000 पर मंथ। लेकिन अगर आप पूरे 12 महीने के लिए जाते हो, फॉर 12 मंथ्स, तो आपको पर मंथ की फीस मात्र कितनी पड़ेगी, 2,800 रुपीज ओनली, जिसको भी आप ईएमआई ऑप्शन लेके ईएमआई से पे कर सकते हैं। सो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्यों हम लोग 1 महीने या 2 महीने के लिए ज्वाइन करें, हम लोग 12 महीने के लिए सीधे ज्वाइन करें, जिससे पैसे बचेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और उसके साथ साथ ए प्रो ए कूपन कोड लगाओ, और बस फिर बल्ले बल्ले है ना, ज्वाइन करो और वेदांतु के प्लेटफॉर्म को पढ़ो। बाय द वे, मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देने वाला हूँ, हमारी बायो की टीचर आने वाली है, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। सो बस आप इंतजार करो, हमारी बायो की टीचर जो है ना, एकदम, मतलब आई कैन से कि अभी तक जितनी बायो की टीचर्स आई हैं, उनमें शी इज वन ऑफ द बेस्ट है ना। लोग देखते रह जाएंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं, हमेशा मैं आपको बोलता हूं ना, सुपर से भी ऊपर, एक से बेहतर से बेहतर से बेहतर, बस। और आप इंतजार करो, और आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा बायो की मैम से मिलके, हमारे यहाँ की बायो की मैम है यार, थोड़ा पेशेंस पैशन रखो अपने साथ में, तो अच्छा मजा भी आएगा है ना। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ए प्रो कूपन कोड है, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं, तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 20% डिस्काउंट कुछ ऐसा दिखता है कि ये ओवरऑल अगर 42,000 का कोर्स है, वो 33,600 रुपये में मिलेगा, पर आप कूपन कोड लगाना पड़ेगा। सो इन दैट केस कूपन कोड है AA प्रो। इसके अलावा मंथन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, 20% डिस्काउंट यहाँ पर भी है। मंथन बैच में भी बहुत अच्छी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, जिनसे मैं आप लोगों को मिलवा भी चुका हूँ है ना। चलिए, तो एक और बात, कौन बनेगा करोड़पति गाइस, अगर आप दी अमिताभ बच्चन बिग बी के साथ बैठना चाहते हैं हॉट सीट पे, तो डेफिनेटली आप लोग यहां पर बिग बी के साथ हॉट सीट पे बैठने का चांस आपको मिल सकता है, अगर आप वेदांतु के ऐप को डाउनलोड करते हैं और वहां पर डेली क्विजेज होते हैं, और जल्दी से जल्दी फटाफट से फटाफट आंसर देते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट होगा। सो वहां पर आप अमिताभ बच्चन के साथ आपको केबीसी खेलने का मौका मिल सकता है। सो यू हैव चांस, आ जाओ फटाफट से, केबीसी खेलना चाहते हो तो वेदांतु के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज के सेशंस की डिटेल है ये। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से आगे, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड। ओके, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सिर्फ आयनिक बॉन्ड की बात नहीं है, बॉन्ड पैरामीटर भी पढ़ेंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड, फटाफट से बताओ कौन कौन है यहाँ पे, शुरू करते हैं। शाउट आउट फॉर मी अंशुल, हाँ किस बात का शाउट आउट मांग रहा है मेरे बच्चे, अंशुल है, अमन है, ज्योत्सना है, और कौन है, तुहिर, तुहिर तो हमारा परमानेंट हो चुका है, तुहिर तुहिर तुहिर, मालिनी, स्वप्ना, तान्या, तान्या, मेरे तान्या जो है ना, तान्या, तान्या एक ऐसा नाम है जो मैंने हर बैच में पढ़ाया। मैं पिछले 7-8 साल वैसे हो गए टीचिंग के अंदर, तो हर क्लास में मुझे तान्या नाम की लड़की जरूर मिलती है। तान्या, ये तान्या नाम बड़ा फेमस है क्या इंडिया में, पता नहीं था, किसी का नाम तानिया होता है, किसी का नाम तान्या होता है, पर होता जरूर है, है ना। और बंटी और बबली, हाय सर, हाउ आर यू सर, नाम ले लो, आकर्ष, आकर्ष अच्छा नाम है, आकर्ष नाम ले लिया मैंने, है ना। चलो तो शुरू करें फटाफट से, कुणाल, अमन, दीक्षा, हर्षिल,
अमेजिंग अमेजिंग। चलो तो केमिकल बॉन्डिंग फटाफट से शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड लेक्चर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग का और आप लोग एक्साइटेड तो हो गई। सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर 2 में जो रीकैप है बेसिकली देखो कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है रीकैप। सो रीकैप देख लेते हैं। 2000 जो लेक्चर नंबर 2 था बेसिकली उसमें हमने क्या किया था, तो उस केस में हमने क्या किया था, एक तो हमने फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। उसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया था, मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था पिछली बार अगर आपको पता हो तो। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से माइनस करना था आप लोगों को क्या माइनस करना था, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनयूज्ड, यार एक तो मेरी कहां गया, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन याद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या करना था, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस करना था, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन माइनस करो, माइनस कितने बॉन्ड उसने बनाए हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। या फिर आप कैसा कर सकते हो, बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करके भी काम कर सकते हो। तो ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था पिछली बार जिसको पता होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसको यूज करो और फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे बाय द वे, है ना। इसके अलावा ये देखो लिमिटेशन करी थी ऑक्टेट रूल की, जो ऑक्टेट रूल आपको दिखाई देता है बेसिकली उसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, वो भी करी थी हम लोगों ने पिछली बार, है ना। लिमिटेशन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये सारे एग्जाम्पल थे कि बहुत सारे ऐसे आपको कंपाउंड मिल जाएंगे जो कि जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी एग्जिस्ट करती हैं, और उसके अलावा हट मेरे भैया नंबर 3 पर कौन था, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये स्पीसी भी एग्जिस्ट करती हैं और इनका 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पिछली बार क्लियर कर चुका था। अच्छा, अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका वेटेज कितना है, नीट के अंदर एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है 4 नंबर का, और बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन जो है 2 मार्क वाले में मिलते हैं। सो ये सारी चीजें हमें अब पढ़नी है। वेटेज आपको समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड जो है उसका वेटेज कितना होता है। नाउ विल स्टार्ट आयनिक बॉन्ड। तो अब हम शुरू करते हैं फाइनली आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया होगा। नाउ विल सी लेक्चर नंबर 3, और आज हम लोग करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें से एक होता है मेटल, स्पेशली आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनाया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैं आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं, आई हैव डेफिनेशंस एंड ऑल, लेकिन यहां पर जो सबसे काम की चीज है वो क्या है, जरा आप उसको समझिए। अगर आयनिक बॉन्ड को आप क्लियरली समझना चाहते हैं तो उसमें पहली चीज जो आप लोगों को नोटिस करनी है, वहां पर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, यह पहली चीज है आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होता है मतलब एक स्पीसी देगी दूसरा लेगी, समझ में आ गया। मतलब यह है कि ए इलेक्ट्रॉन देगा और बी उसको एक्सेप्ट करेगा, समझ में आता है। वन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और बी ने लिया, समझ में आता है। वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, समझ में आ गया। अब इसको और डिटेल में पढ़ो, आप इसको बॉन्ड की तरह मत देखना, मैं सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा हूं कि एक एक इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, समझ में आ गया, यहां कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब एक और बात यहां पर नंबर 3 पर, अब कंप्लीट ट्रांसफर होता है बेसिकली वो आपको समझ में आ गया, ये तो आपने देख लिया कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है। अब कंप्लीट ट्रांसफर में कैसे होता है जरा उसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेसिकली ज्यादातर वो कौन होता है, मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो यहां पर मेटल होता है एक ही जगह पे, कोई ना कोई मेटल होता है, समझ में आ गया। जनरल वे से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो एक ही जगह मेटल होता है, और जनरल वे से बी की जगह नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल टू नॉन मेटल जनरल वे से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है क्योंकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहां पर मेटल एक ही जगह पर होता है। नॉन मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो बी की जगह वो होते हैं। आगे समझ में, तो कुछ चीज समझ में आनी चाहिए कि आयनिक बॉन्ड ज्यादातर आपको, आयनिक बॉन्ड ज्यादातर क्या स्पेशली आप लोगों को मेटल टू नॉन मेटल ही दिखाई देंगे, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, जैसे यहां पर अगर 4th नंबर पे देखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो अगर ए मेटल है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ए प्लस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, समझ में आ गया। अब बेसिकली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और इसमें जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आ गया सबको समझ में, तो ए स्पेशली हमारे लिए है भी क्या, मेटल, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। आ गया समझ में, ये मेटल है जो कि कैटायन में कन्वर्ट हो चुका है, किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैटायन में, और उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। यही एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली बी गेन करेगा,
बी एक नॉन मेटल है, बी क्या है एक नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बी माइनस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एन आयन में कन्वर्ट हो गया, एन आयन में। इज दिस क्लियर? तो एक केटायन है, दूसरा एनायन है, तो ए प्लस आपके पास केटायन है और बी माइनस आपके पास एनायन है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, पांचवें पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर देखो, यहां पर एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और फाइनली यहां पर क्या होगा, ए प्लस जो है वो बी माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों मिलकर डिफ्यूज हो जाएंगे और बेसिकली एक सोलिड की फॉर्मेशन करेंगे। आ गया समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव लव्स नेगेटिव, बॉय लव गर्ल, पॉजिटिव लव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे और एक लैटिस फॉर्म करेंगे। इज दिस क्लियर? तो यहां से एक लैटिस फॉर्म होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, मतलब सॉलिड लैटिस फॉर्म हो जाएगा और यहां से एक एनर्जी भी रिलीज होगी। अब देखो यहां पर एनर्जीज कौन कौन सी एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पर ये एनर्जी एसोसिएटेड है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, क्योंकि यहां से लैटिस फॉर्म होता है, लैटिस एनर्जी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एनर्जीज आप लोगों को एसोसिएटेड होते दिखेंगी। तो आयनिक बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा क्या है, वो ये है कि भैया देखो कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, इसमें ए मेटल होगा, बी नॉन मेटल होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसमें ए ए प्लस में कन्वर्ट होगा, बी बी माइनस में कन्वर्ट होगा, ए बी को अट्रैक्ट करेगा और फाइनली सॉलिड लैटिस बना लेगा और फाइनली यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। सबको समझ में आ गया? दैट्स वेरी इजी। तो अगर मुझसे पूछे तो ये बहुत आसान तरीका है इसको समझने का और सीखने का। अभी ये जितने भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताए, ये किस किस को समझ में आ गया, एक बार चैट सेक्शन में लिखो कि यस सर हमें समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जल्दी से बताओ, उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूं। जल्दी से बताओ, शाबाश, कम ऑन डूड, शाबाश, अमेजिंग, सबको समझ में आ गया। बेटा आयनिक बॉन्ड के बाद आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ लेते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड ही आएगा, अभी तीसरा ही लेक्चर है ये, ठीक है। सो चलो अब आयनिक बॉन्ड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अपन, डोंट वरी। तो आयनिक बॉन्ड को और डिटेल में पढ़ते हैं, जरा आप चेक करो। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आयनिक बॉन्ड को कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक स्पीसी इलेक्ट्रॉन देगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगी, जो देता है बेसिकली उसमें आपको मेटल मिलेगा, जो लेता है बेसिकली उसमें नॉन मेटल मिलेगा। आ गया समझ में? और ये दोनों आपस में मिलके डिफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो NaCl, LiCl, KCl, CaCl2, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो कि आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां पर बेसिक आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना बेहद आसान है। यहां पर अगर आप इनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऑक्टेट रूल से जनरली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपन इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर जरा कॉजल का थ्योरी पढ़ लेते हैं, लुईस कॉजल थ्योरी पढ़ लेते हैं आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, कि उसने क्या कहा था। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वो ये कहता है, कॉजल ये कहता है आपसे कि यहां पर अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो आयनिक बॉन्ड आसानी से कब बनता है, ध्यान से सुनना, आयनिक बॉन्ड अगर आप बनाना चाहते हो तो आयनिक बॉन्ड आसानी से कब बनता है। अब मैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, टॉपिक को जरा ध्यान से चेक करना। सवाल उसने पूछा, अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो आसानी से आयनिक बॉन्ड कब बनता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जरा आप चेक करो। देखो यहां पर सबसे पहले कोई मेटल लिया, ये कोई मेटल है, ये मेटल क्या करेगा, बेसिकली ये एम प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये मेटल है जो कि एम प्लस में कन्वर्ट होगा, समझ में आता है, और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब कोई भी मेटल, कोई भी एटम कैटायन में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो उस केस में वो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलेगा नहीं बाहर, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस केस में आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो जरा आप ध्यान से समझना, दिस इज यू हैव टू गिव। एक मेटल तभी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा जब आप उसको एनर्जी दोगे। भाई साहब ऐसे कौन जेब से पैसा निकाल देगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना ताकि वो पैसा जेब से बाहर निकाले। सो यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी ताकि वो जेब से पैसा बाहर निकाले, ताकि मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। अब यहां पर जरा आप चेक करो, यहां पर आप चाहोगे ना कि मेरी एनर्जी की कंजम्पशन कम से कम हो, यहां आप चाहोगे कि मेरे पास जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है उसकी कंजम्पशन कम से कम हो। इसका मतलब आप चाहोगे कि आप एक ऐसा मेटल लो जिसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, यस और नो? भाई देखो सीधी सी बात है,
ध्यान से समझना, आपको कुछ खाना है और आप चाहोगे, आपके पास पैसे भी कम है और आपको बचाने भी है, तो आप चाहोगे ना कि कम से कम पैसों में मेरा पेट भर जाए। तो सेम चीज है यहां पे। इस मेटल से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन आपका काम आसानी से तब बनेगा जब मेटल कम पैसों में ही मान जाए। आगे समझ में, मेटल अगर कम पैसों में ही मान जाए या कम एनर्जी में ही मान जाए, सिंपल सी बात है, तो आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो कॉजल ये कहता है कि बेसिकली मेटल ऐसा होनी चाहिए जहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो। तो अगर मैं पूछूं आपसे, आप लोग मुझे जवाब दो, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग जवाब दोगे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से मेटल की होती है, जल्दी से बताओ, मतलब कौन से एलिमेंट की होती है, उसमें मेटल ही आएगा सबसे ऊपर, तो कौन बताएगा पूरी पीरियोडिक टेबल। बहुत बढ़िया जतिन शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सीजियम की। किसकी होती है? सीजियम की, जो कहां पर आता है, आधे ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा, जो चार्ट सेक्शन में गरियाते रहते बेटा वो पढ़ते नहीं है, फ्रांसियम नहीं होता बेटा, फ्रांसियम छोड़ दो, विद्या पटेल फ्रांसियम छोड़ दो, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, उसे कभी काउंट नहीं करते। तो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सीजियम, आप लोग याद रखिए। लोवेस्ट एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए ना, फ्रांसियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, उसकी उम्र बहुत कम है, समझ में आ गया? तो जिसकी उम्र बहुत कम है उसको छोड़ दो। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सीजियम, जो कि कहां पर आता है, ग्रुप नंबर वन में आता है, ग्रुप नंबर वन में आता है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो सबसे कम एनर्जी लेके आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ऐसे करके, ऐसा होता है ना थोड़ा सा। आपको पता है सीजियम को अगर जब हाथ में रखोगे ना, तो वो हाथ में आपकी पाम के अंदर ही पिघल जाता है, इतना ज्यादा, इतनी कम उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, समझ में आ गया? आप इसको, सीजियम एक मेटल है, उसको आप पाम पे रखो, थोड़ी सी गर्मी दो, ऐसे धीरे से पिघल जाएगा वो, समझ में आ गया? वो नहीं है वो जाकिर हुसैन, जाकिर खान क्या कहता है, वैसे तो वो मैं सख्त हूं लेकिन उस दिन मैं पिघल गया। तो बेसिकली सीजियम जो है बेसिकली बहुत आसानी से पिघल जाता है, तो सीजियम आंसर आएगा इसका। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम के, इसका मतलब सीजियम बड़े आसानी से आयनिक कंपाउंड बनाता है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे पर आ जाओ, ये तो पहला स्टेप था। स्टेप नंबर टू क्या है? स्टेप नंबर टू है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को गेन करना है, समझ में आ गया? अब आप जानते समझो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन उसको गेन कराओ जिसकी इलेक्ट्रॉन की भूख सबसे ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, समझ में आ गया? तो यहां पर आप लोगों को एक नॉन मेटल लेना है, नॉन मेटल को N से लिख देते हैं, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन की भूख सबसे ज्यादा होती है, और ये इतने भूखे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को खा जाए। ये नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो भाई साहब एनर्जी रिलीज करते हैं। अरे भैया देखो, सीधी सी बात है, आपका बिजनेस कब चलेगा? जब उसमें इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, समझ में आ गया? 2 रुपए लगाने से अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है तो बढ़िया धंधा है। तो यहां पर यही सीन है, लगाए तो आपने 2 रुपए और ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, निकल के बाहर आ रहे हैं 100 रुपए, तो आपका धंधा चल पड़ा 98 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट, फिर 98 रुपए में 2 रुपए फिर लगाओ, फिर 100 रुपए कमाओ, फिर 2 रुपए लगाओ, फिर 100 रुपए कमाओ, तुम 10 दिनों में करोड़पति बन जाओगे। सो बेसिकली यहां पर एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिलीज करता है। जरा देखो, मैंने माइनस का साइन लगाया है, जरा ध्यान से चेक करना, दिस इज माइनस, ये एनर्जी रिलीज होती है, जबकि ये एनर्जी देनी पड़ती है, ये प्लस का साइन है, और यहां पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एन माइनस के अंदर, समझ में आ गया? ये एक एनायन बना लेता है। अब आप जरा ध्यान से समझो, धंधा कौन सा अच्छा है जिसमें लगाना कम पड़े और बाहर ज्यादा निकले? तो देखो, ये कम होनी चाहिए जबकि ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आसानी से आयनिक बॉन्ड वहां पर बनते हैं जहां पर जिस नॉन मेटल को, वो इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल ले रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब कईयों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो, मैं इसको सिर्फ इतना कहता हूं, मान लो कि ये ना, ध्यान से सुनना, ये कोई चीज है जो तुम्हें बेचनी है। अब उसको बेचने के लिए तुमने क्या किया, 2 रुपए का बेसिकली क्या किया, खर्चा किया। इसको बेचने के लिए 2 रुपए खर्चा कैसे किया, 1 रुपए का टेम्पू लिया, तुम वहां तक पहुंचे और 1 रुपए में अपने लिए जगह बनाई ताकि तुम बेच सको। तो तुमने 2 रुपए का खर्चा किया, और उसको तुमने बेचा कितने में, बेचा तुमने 100 रुपए में। आ गया समझ में? तो ये धंधा बहुत ही अच्छा है जिसमें अंदर 2 ही रुपए लग रहे हैं लेकिन बाहर 100 रुपए आ रहे हैं। अब आप देखो, ऐसा ही सीन है। अगर कोई आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसको
आयनाइजेशन एनर्जी तो इनपुट में देनी है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आउटपुट में बाहर निकलेगी। तो दिस मस्ट बी लो, ये क्या होनी चाहिए, कम। दिस मस्ट बी हाई, ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा। आ गया समझ में, सिंपल सी बात है, अब समझ गए होगे। जिस जिसको समझ में आ गया बोलो फटाफट से, हे हाइड्रा जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आ गया। तो यहां पर ये मतलब निकलता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। समझ में आ गया, तभी आपका आसानी से बनेगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कौन कौन बताएगा कि इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट किसकी होती है। मेरा सवाल है ये आप लोगों से, पूछता है भारत, पूछता है भारत पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, बताओ मुझे। पूछता है भारत पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक नॉन मेटल की होती है और उसका नाम है नलायको, पढ़ लो थोड़ा बहुत, क्लोरीन नाम है उसका। आ गया समझ में, क्लोरीन नाम है उसका, क्लोरीन। सब लोग फ्लोरीन, कईयों ने फ्लोरीन बोला, कईयों ने क्लोरीन, बेटा पढ़ लो आसानी से याद हो जाएंगे। समझ में आ गया, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये लेक्चर है और ये लेक्चर ऑलरेडी बन जाएगा और आ जाएगा, उसको दोबारा देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। अरे वीडियो बन गया तो उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है, दिमाग लगाओ, दूसरों का भी समय खराब होगा। जब ये वीडियो बन जाएगा तो उसको रिपीट करके दोबारा देख लेना, दिमाग लगाओ, दिमाग समय की कीमत है। तो फाइनली देखो, अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सवाल है मेरा, अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छा बेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा है, बेस्ट आयोनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, बेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे बताओ मुझे। वो है सीजियम क्लोराइड। बेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड को बनाना बेहद आसान है, सीजियम क्लोराइड को बनाना बेहद आसान है। समझ में आ गया, बेस्ट आयनिक कंपाउंड इज सीजियम क्लोराइड, जिसको बनाना बेहद आसान है। सबको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लोवेस्ट होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। समझ में आ गया, तो वो फायदे का धंधा है, फायदे का सौदा, सीजियम क्लोराइड को बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। समझ में आ गया, जय जल्दी बताओ फटाफट से। तो समझ में आया, तो बस यही चीज अभी कोजल भी कह रहा है। कोजल क्या कहता है, कोजल कहता है भाई साहब देखो, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए कैटायन की, अगर आप आसानी से बनाना चाहते हो तो, और मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। इज दिस क्लियर, मतलब क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एटम को आपको एनर्जी देनी पड़ती है तब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तब वो जाके कैटायन में कन्वर्ट होता है, तब वो जाके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो वो लो होनी चाहिए और उसकी हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। मतलब ये है कि वो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो एनर्जी को रिलीज करे, खत्म कहानी। वो नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप दे रहे हो, नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, समझ में आ गया, जिससे कोई एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले ले और एनर्जी को रिलीज करे। इज दिस क्लियर, तो लेने के बाद एनर्जी को रिलीज करता, समझ में आ गया। और इस हिसाब से अगर देखें तो वो क्या करते हैं, सीजियम और क्लोरीन के बीच में ये जो साठ गांठ होती है वो बहुत ही प्यारी होती है। सीजियम बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्लोरीन बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेके बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। और मजे की बात पर आ जाओ, अब मजे की बात ये है कि यहां पर जो सीजियम है, देखो आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहां पर जैसे कि मान लो जो सीजियम था वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया था, क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया था। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन, आपको पता है अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, बायो के बच्चे तो अच्छे से जानते हैं। व्हेनेवर देयर इज एन अट्रैक्शन देयर इज एनर्जी रिलीज, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, है ना। तो फाइनली अब तो तुम बड़े हो गए तो तुम ये बात जानते हो, और ये बात नेचर में भी होती है। तो इफ देयर इज एन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड माइनस, देयर इज एनर्जी रिलीज। तो अट्रैक्शन के बाद ये क्या बनाएंगे, सीजियम क्लोराइड, और यहां से एक एनर्जी का रिलीज होगा। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी।
इसको क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है। सबको समझ में आ गया है ना? सो आकर्षण, नलायक अट्रैक्शन को देखो हिंदी में बड़ा आकर्षण। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो सॉलिड होते हैं बेसिकली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसी अट्रैक्शन के बाद, जरा देखो ये काम सोडियम और क्लोरीन में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सीजियम क्लोराइड सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, बट ऐसा नहीं कि कोई और बनेगा ही नहीं। तो जैसे कि NaCl नमक, नमक में Na प्लस और Cl माइनस होता है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होके ये लैटिस बनाते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसको सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ोगे, गैसी स्टेट में आता है। तो यहां पर जरा देखो ये रेड वाले डॉट है Na प्लस और Cl माइनस, ब्लू वाले डॉट है, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज हो जाते हैं जरा आप चेक करो, ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ये कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास कौन होगा? सोडियम। फिर ये कौन है? क्लोरीन। ये कौन है? सोडियम। ये कौन है? क्लोरीन। ऐसे करके एक बढ़िया सी लैटिस बना लेते हैं, सुंदर सी। ये दिख रहा है सब लोगों को? समझ में आ गया? और ऐसा लैटिस बनाने पर एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? लैटिस, लैटिस को क्या बोलते हैं? पैटर्न। कईयों को लैटिस नहीं पता होता, लैटिस का मतलब होता है पैटर्न। एक अच्छा सा पैटर्न बना के ऐसा अरेंज हो जाते हैं। समझ में आया? अब मजे की बात, मजे की बात यह है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल पे डिपेंड नहीं करती है, और ऑक्टेट रूल से भी ज्यादा वो लैटिस फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है कि लैटिस की फॉर्मेशन कैसी हुई है। अगर लैटिस की फॉर्मेशन एकदम ठीक ठाक हुई है, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड स्टेबल है। समझ में आ गया? सिर्फ ऑक्टेट रूल को मत देखो कि भैया सोडियम या सीजियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, जय हाइड्रा, ऐसा नहीं है। तो यहां पर एक्चुअली आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी लैटिस फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है कि उसने लैटिस एनर्जी कितनी रिलीज की है। आया समझ में? तो इसी यहां से ही कॉन्सेप्ट आता है लैटिस एंथैल्पी का। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है जब एक मोल कैटायन एक मोल एनायन को आपस में अट्रैक्ट, ये दोनों अट्रैक्ट, एक मोल कैटायन एक मोल एनायन से आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उससे एक मोल एनर्जी जो रिलीज होती है उसी हम लोग लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो मैं उसको दिखाता हूं, देखो अट्रैक्शन, देखो अट्रैक्शन देखना चाहते हो? The amount of energy released for one mole of gaseous ion form a solid crystal lattice is called lattice enthalpy. जब एक मोल कैटायन एक मोल एनायन को अट्रैक्ट करके एक मोल क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। सबको समझ में आ गया? ऐसा देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं ये Na प्लस और Cl माइनस, दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, हाउ क्यूट, क्या बोल रहा हूं। तो देखो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है? वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और ऐसे फॉर्म कर लेते हैं, इससे एनर्जी रिलीज हो रही है। जरा ध्यान से देखो, दे आर अट्रैक्टिंग, दे आर कमिंग, एनर्जी रिलीज हो रही है, दिख रहा है? ये ब्लू कलर की एनर्जी भी दिख रही है। देखो मैं सब सिस्टम लेके आया हूं, Na प्लस Cl माइनस को अट्रैक्ट करके ये देखो ब्लू कलर का एनर्जी रिलीज हो रहा है। और जब भी कोई चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है। मजा आ रहा है? ये मतलब निकलता है उसका, लैटिस फॉर्म होता है ना? बायो के बच्चे बड़े अच्छे से समझेंगे। सो इस तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है, व्हेन समवन अट्रैक्ट अदर देयर इज एनर्जी रिलीज। समझ में आया? तो फाइनली इसी को क्या बोलते हैं, मेरी इनडायरेक्ट भाषा को समझ जाओ। सो जब भी कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करता है देयर इज एनर्जी रिलीज, उसी को ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसी को क्या बोलता है? लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, राम 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 राम। चलो अब आगे चलते हैं। सो लेट्स प्रोसीड, लैटिस एनर्जी क्या होता है। अब हम चलते हैं बॉन्ड पैरामीटर को पढ़ते हैं। तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो वहां पर टोटल तीन तरह की एनर्जी एसोसिएटेड होती है, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरी लैटिस एंथैल्पी। लेकिन और भी बहुत सारी एनर्जीज होती है, ऐसे इतना आसान नहीं है, जिसको हैबर साइकिल में आपको समझा जाता, थर्मोडायनेमिक में आएगा वो, डोंट वरी, मैं वहां पढ़ा दूंगा। अभी हम चलते हैं आगे बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है? सो लेट्स सी बॉन्ड पैरामीटर्स। तो आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी फॉर द बॉन्ड पैरामीटर्स? जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के कुछ पैरामीटर होते हैं, समझ में आ गया? उन पैरामीटर्स को हमें पढ़ना जरूरी है। तो चलो फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड पैरामीटर, अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बॉन्ड पैरामीटर। इट्स नॉट जेम्स बॉन्ड, है ना? वो नहीं है जेम्स बॉन्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? बॉन्ड पैरामीटर्स की। ऐसा नहीं जेम्स बॉन्ड समझ लो। चलो तो बॉन्ड पैरामीटर की बात करते हैं। सबसे पहले आती है बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ क्या बला है, बॉन्ड लेंथ क्या बला होती है? तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली दो एटम के न्यूक्लियर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं,
है ना। अगर मैं कहूं कि बॉन्ड लेंथ क्या है, तो जब बॉन्ड बन जाए, जरा ध्यान से समझना, बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बॉन्ड लेंथ में जब बॉन्ड बन जाए, तो एटम के बीच में बॉन्ड बन जाए, जरा ध्यान से समझना, बॉन्ड कैसे भी हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, मान लो आयनिक या कोवेलेंट वॉट एवर, मान लो कि एटम एक दूसरे से पास आ चुके हैं, ये ए ने बी को अट्रैक्ट कर लिया है, तो उनके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है बेसिकली उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब इन बॉन्ड लेंथ से आप लोग क्या करते हो, बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो, बॉन्ड लेंथ के आधा करने के बाद आप लोग रेडियस भी निकाल सकते हो, और रेडियस वाली चीज आपको कहां पे पढ़ा चुके हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुके हैं। तो चलो मैं आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बता देता हूं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सबको समझ में आ गया, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम, एवरेज इंटरमोलिकुलर डिफरेंस डिस्टेंस निकाली जाती है उसी को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब ये तो आता होगा सब लोगों को, बहुत आसान है। अच्छा, अब इसी से रेडियस भी निकाली जा सकती है, रेडियस का कॉन्सेप्ट भी आप यहां से समझ सकते हो कि रेडियस बॉन्ड लेंथ के हिसाब से रेडियस भी दो तरह की होती है, क्योंकि यहां पर जो कंपाउंड है बेसिकली वैसे तो तीन तरह की होती है, इस चैप्टर में आपको दो तरह की मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि तीनों तरह की तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां पे पढ़ चुके हैं हम लोग, हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो अभी मैं आप लोगों को जिस चैप्टर में काम आएगी वो बता रहा हूं, ठीक है। एक तो होती है कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई में क्या होता है, किसके लिए आप डिफाइन करते हो कोवेलेंट रेडियाई को, कोवेलेंट रेडियाई को हम लोग डिफाइन करते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, समझ में आ गया, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ओवरलैपिंग होती है। अब ये सब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उनमें न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। धीरे धीरे समझना, चिंता मत करना, कोवेलेंट रेडियाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, जहां पर एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैपिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग करने पर एरिया भी शेयर हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि भैया ये कोवेलेंट रेडियाई है, समझ में आ गया। और वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियाई के, दो न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दो तो कोवेलेंट रेडियाई आपको मिल जाएगी। दैट्स वेरी इजी, जो आप पहले से पढ़ चुके हो। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद आता है आपके पास वेंडरवॉल्स रेडियाई। अब ये वेंडरवॉल्स रेडियाई क्या होती है, वेंडरवॉल्स रेडियाई स्पेशली हम लोग डिफाइन करते हैं किनके लिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि दो गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा पास नहीं आते, जरा समझो, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ध्यान से समझना इसको, मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूं इसको अदरवाइज मत लेना। मैं कभी कभार है ना, मेरा जो केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है वो है जनरल जो हमारी लाइफ की केमिस्ट्री है उससे रिलेट करो केमिस्ट्री को, समझ में आ गया। तो देखो इसको बिल्कुल ओड मत समझना, सो जरा समझो, एक है बॉय, देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल, एक लड़का है और एक लड़की है, समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है और दे कैन ओवरलैप एज वेल, ये तो बायो वाले बच्चे से समझते हैं, है ना। तो वो पास आएंगे, एक लड़का और एक लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है, दे कैन ओवरलैप एज वेल और वो पास आएंगे और बेसिकली वहां पर एक बॉन्ड बनता है, तो उस तरह को बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन एक लड़का और एक लड़का, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, ठीक है, वैसे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बट अदरवाइज क्या होता है, लड़के और लड़के के बीच में नॉर्मल अट्रैक्शन होता है, फ्रेंडशिप वाला अट्रैक्शन, तू मेरा दोस्त है, वो गाना सुना होगा, तेरा यार हूं मैं, वो वाला। तो बेसिकली ना एक बॉय और एक बॉय एक ज्यादा हद तक चिपकते नहीं एक दूसरे के, आपको पता है ना, और एक लड़की और एक लड़की भी ज्यादा नहीं चिपकते एक दूसरे से। तो मतलब क्या है, यहां पर ये दोनों पास आएंगे, दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड है बेसिकली इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, वेंडरवॉल्स बॉन्ड बोलते हैं, वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर ये वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, हाँ अट्रैक्शन है, ऐसा कहोगे कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन चिपक थोड़ी जाओगे गर्लफ्रेंड के जैसे। तो फाइनली यहां पर है ना, इसीलिए बोलते हैं कि जो गैसियस जो दो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास जरूर आते हैं लेकिन चिपकते नहीं है, देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, समझ में आ गया, इसको अदरवाइज मत लेना समझाने का तरीका। तो एक बॉय और एक बॉय के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ज्यादा पास नहीं आएंगे, एक हद तक ही पास आएंगे, समझ रहे हो।
तो एक हद तक ही पास आएंगे। तो बस इसी तरह से जो गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, एक गैस का मॉलिक्यूल है दूसरे गैस का मॉलिक्यूल, ये एक हद तक पास आते हैं और उनके बीच में आपको गैप दिखाई देगा, और इनके बीच में जो रेडियस काउंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आ गया समझ में? तो कोवेलेंट बॉन्ड कहां पे बनता है? एक मैट कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर जहां पर शेयरिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां बनता है? बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेशली हम लोग नोबेल गैस या गैसेस के फॉर्म में बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, तो बस यही मतलब है। अब आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली दो गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन होता है, जहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे के पास नहीं आते। समझ में आ गया? बस उसी में ही दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ढूंढ लोगे, उसको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में वैसे भी डिस्टेंस है जो कि उस बॉन्ड को वैसे भी वीक बना रही है। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ ली, बॉन्ड लेंथ में और क्या है? सो फाइनली नोट लगाओ, ये देखो ये बहुत ही बढ़िया है, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे शॉर्टर द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। बॉन्ड दो एटम के बीच में जितने ज्यादा होंगे डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होगी। जैसे कि आपके पास तीन बॉन्ड दे रखे हैं, सपोज करो आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। अब आप देख रहे होंगे एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में 154 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है। ध्यान से देखो, अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो 154 पिकोमीटर, लेकिन अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है तो 133 पिकोमीटर, लेंथ कम हो गई। लेकिन अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो 120 पिकोमीटर। अभी याद नहीं करने, इससे हमें एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? इससे बात हमें यह समझ में आती है कि यहां पर बॉन्ड लेंथ इज एंटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिसको बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। बॉन्ड लेंथ और नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ घटने लगेगी। सबको समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इजी, और ये इस एग्जांपल से समझ में भी आता है। किस किस को समझ में आ गया? कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड कम है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कम है मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अभी तक किस किस को समझ में आ गया ये बॉन्ड लेंथ का? किस किस को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? एग्जांपल देके बताया मैंने, दिस इज द एग्जांपल। सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की और भी कम होती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अमेजिंग। ये सागर क्या कर रहा है तू? सागर, सागर नाम तो लड़कों का लग रहा है, और त्या लिपस्टिक चपे चिपरा चैट है, क्या कर रहा है बेटा? वैसे साइंस ने तरक्की कर ली है, मैं मानता हूं, माजे लाडला बिगड़ गया, लेकिन अभी चैट में मत बिगड़ो तुम, ठीक है? नालायक खुश, ये कौन है? खुशबू कुमारी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कम नहीं है, माथा पीट लिया मैंने तो मेरा। चलो तो फाइनली यहां पर ही बॉन्ड लेंथ हो गया। अब हम चलते हैं बॉन्ड एंगल की तरफ। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल कहां कहां निकालते हैं? बॉन्ड एंगल तब निकालते हैं जब एक सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ दो एटम अटैच होते हैं। तो बेसिकली जब वो सेंट्रल एटम के साथ जो दो एटम है, वो जो बॉन्ड बना रहे होंगे, उनके बीच की जो बेसिकली एंगल होगा, उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल का मतलब समझो, बॉन्ड एंगल द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, ध्यान से समझना, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ द सेम एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। अब नहीं समझ में आया तो जरा ध्यान से समझो, मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि मान लो कि एक सेंटर एटम है, इसके साथ दो एटम जुड़े हुए हैं, इसके साथ दो एटम जुड़े हुए हैं, तो ये जो दो बॉन्ड बने हैं, यही एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। दैट्स प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? ये बहुत आसान है समझने के लिए। सो बहुत सिंपल है यहां पर बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल के ऊपर ही आपसे पहले सवाल पूछा गया था, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। बॉन्ड एंगल आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड एंगल क्या होता है? अमेजिंग। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे एग्जांपल के तौर पे H2O, H2O में जो बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट का होता है, 104.5 डिग्री का होता है, लेकिन कैसे दिखाओगे इसको? तो आपको भी पता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जरा देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर होते हैं आफ्टर मेकिंग टू बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली यही है 104 104.5 का।
समझ में आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। सबको समझ में आ गया, दैट्स वेरी दैट्स प्रीटी इजी। कितने बढ़िया बढ़िया कूल कूल आपके लिए लेके आए हैं। तो जरा आप ध्यान से चेक करो, ये ऑक्सीजन हो गया, इसने हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ यहां पर क्या किया हुआ है, बॉन्ड बना के रखा, और उसके पास लोन पेयर्स भी हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल, जो कि कितने का होता है, 104.5 डिग्री का होता है, ठीक है, इसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। और बॉन्ड एंगल के ऊपर ही सवाल पूछा गया था। तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के कुछ सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107.8 डिग्री का होता है, याद कर लो बहुत काम आएगा। फिर आता आपके पास, आपके पास मीथेन, तो कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 109.5 का होता है। CO2 180 डिग्री का एंगल होता है यहां पर, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन। SO2 119 डिग्री का एंगल होता है। सबको समझ में आ गया। और एक क्यों है 180 का, ये था 119 का क्यों है, लोन पेयर की वजह से ऐसा होता है। जब भी आपको लोन पेयर दिखे बॉन्ड एंगल घटने लगता है। BF3 ये 120 डिग्री का एंगल है। तो ये कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। सबको समझ में आ गया, यस। तो ये कॉमन एंगल्स है। अभी कहां से आए, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है सारा का सारा। ये मत समझ लेना तुम लोग कि भैया ये कहीं कहीं और से, किसी दूसरे मंगल ग्रह से कुछ आया, ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वहीं से आया, ठीक है। अब ये कुछ एंगल्स आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको, जब भी दो चीजें पास आती और एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करती हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ गया। सो व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर वन मोल बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट एवर बी द एनर्जी रिलीज, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ गया, दैट्स प्रीटी मच इजी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देखो अब दोनों केस में इसको पढ़ सकते हो, एक मिनट, दो एटम पास आए, दो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, या फिर अगर आपको एक बॉन्ड को तोड़ना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बॉन्ड को तोड़ना हो तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो दोनों में से समझ सकते हो इसको। तो यहां पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है बेसिकली वो ब्रेक करने के हिसाब से लिखा हुआ है, जरा समझो। सपोज करो कि आपके पास है ना हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको आप ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दोगे उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनने में, और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया है, जितना बॉन्ड बनने में एनर्जी लगती है उतने ही बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी लगती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि इसको तोड़ने में 100 किलो जूल लग रहे हैं, इसको तोड़ने में मान लो कि 100 किलो जूल लग रहे हैं, तो इसको बनने में भी 100 किलो जूल लगेंगे। समझ में आ गया, दोनों वैसे ही इक्वली है, तो आपको किसको कैसे भी पढ़ लो। तो अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है उसी को क्या बोलते हैं बेसिकली, उसी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। इज दिस क्लियर, बॉन्ड एंथैल्पी किसे कहा जाता है, जरा आप देखो। मान लो कि आप हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो, देखो ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ था, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो यहां से टूटने के बाद ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको एटम में कन्वर्ट करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। और हाइड्रोजन केस में कितनी होती है, 435.8। अब ये डेटा आपको याद नहीं करना, पर आप कॉन्सेप्ट को समझो कि ये आराम से मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था, इसके बॉन्ड को तोड़ के इसके एटम को अलग अलग कर देना, इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। मजे की बात, अगर उनको तोड़ने में 435.8 किलो जूल लग रहा है तो इनको बनने में भी उतना ही लगेगा। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा तो उतना ही एनर्जी एसोसिएटेड होगा। हालांकि तोड़ने में प्लस लगती है और बनने में माइनस में रिलीज होती है। समझ में आ गया, उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। Is this clear कि bond enthalpy क्या होती है? अच्छा आप कोई पूछ रहे lattice energy होगी क्या सर? बेटा एक मेरी बात सुनो, lattice energy का concept कहां पर आता है, जब एक metal cation एक non-metal anion को attract करता है वो lattice है, वहां lattice form हो रहा है, लेकिन ये तो hydrogen है। अब कई बच्चे इस चीज को mix-up करते हैं, उन्होंने पूछा सर lattice energy और bond enthalpy में क्या फर्क है, तो lattice energy बेटा कि कहां पे form होती है, जरा आप देखो, लैटिस एनर्जी फॉर्म होती है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, लैटिस एनर्जी एसोसिएटेड है आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो दोनों में फर्क है। हालांकि वो बात एक ही कह रही है,
लेकिन दोनों में फर्क है, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आयनिक कंपाउंड में लागू होता है, जबकि यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी वाली जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हो यहां पर कोवलेंट कंपाउंड में लागू हो रही है। समझ में आ गया? हालांकि बात एक ही, वहां भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि वहां पर एक कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट होकर एनर्जी रिलीज करते हैं। समझ में आ गया? और वो बहुत ही मजबूत, जितना मजबूत बॉन्ड होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ गया? तो आयनिक बॉन्ड के अंदर जो लैटिस एनर्जी होती है वो मैसिव अमाउंट में रिलीज होती है, इनकी तो इतनी औकात ही नहीं है। समझ में आ गया? तो दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखो, फजान रूल आगे आएगा बेटा। तो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हर एक एनर्जी की स्पेसिफिकेशन समझो कि कौन सी एनर्जी की बात कहां पे हो रही है। लैटिस एनर्जी की बात हम लोग कब करते हैं? जब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया? लेकिन जब हम बाकी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे, बाकी जगह पर भी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है लेकिन वहां पर लैटिस फॉर्म नहीं होता, तो बाकी जगह पे बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रही है उससे जो एनर्जी निकल रही है या बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज हो रही है उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएट है, हर एक चीज में छोटा छोटा डिफरेंशिएट है। लैटिस तो नाम ही अलग दे दिया क्योंकि वहां पर लैटिस फॉर्म होता है, इसी वजह से वहां पर लैटिस एनर्जी नाम दिया गया। चलो अब एक मजे की बात बताता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से इसको चेक करो। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था आपसे स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। सिंपल सी बात है, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर आपसे सवाल पूछूं, जरा ध्यान से चेक करो, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ O2 और N2 में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बताओ किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्या जवाब दोगे? O2 और N2 में बताओ बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, क्या जवाब दोगे? सिंपल क्वेश्चन है, O2 और N2 में किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी? अब सब लोगों ने मिक्स जवाब दिया, कोई भी दिमाग नहीं लगा रहा, जरा सोचो। O2 में बॉन्ड होता है बेटा डबल, जबकि N2 में बॉन्ड क्या होते हैं? ट्रिपल। अब आप लोग मुझे बताओ, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। आंसर क्या आएगा? N2 की बॉन्ड एनर्जी O2 से ज्यादा होती है। इतना आसान था, थोड़ी देर पहले बोल के आया हूं मैं, क्या लिखा मैंने? स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड लार्जर वुड बी दी बॉन्ड एनर्जी। आंसर क्या आएगा? N2। क्यों? अब आप ये भी देखो, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, वहां पर बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। सिंपल सिंपल सी लॉजिक, आप खुद ही सोचो यार, दो एटम के बीच में तीन तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। इसलिए तो नाइट्रोजन इज, आपको पता है नाइट्रोजन रिएक्टिव गैस नहीं है, ऑक्सीजन रिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट 70% नाइट्रोजन गैस है। कितनी है? 70-79% इतना ही है कुछ, 70% ये नाइट्रोजन गैस। अगर वो रिएक्ट करती तो भाई साहब तुम जिंदा नहीं बच सकते थे। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो कि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को भी कम करती है। ऐसा भी पूछा जाता है, कल को मान लो पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती तो जब अगर पूरे एनवायरनमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन होती तब भी हम जिंदा नहीं बच सकते थे, हमारी धमनियां फट जाती। इसलिए अच्छा खुशी मनाओ कि नाइट्रोजन अवेलेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को बेसिकली कंट्रोल किए हुए है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में, इसलिए तो हम लोग जिंदा है। आ गया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, जरा ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है। जितना स्ट्रॉन्ग ज्यादा मजबूत होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग की मजबूती डिपेंड करती है कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अगर तीन बॉन्ड बने हुए तो स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दो बने हुए तो कम, और एक ही बना हुआ है तो फुस। समझ में आ गया? ये मतलब निकलता है इसका। छोटे छोटे पॉइंट है। अब जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ, देखो नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड एनर्जी चेक करो कितनी है, 946 किलो जूल पर मोल। ओ माय गॉड, नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड एनर्जी चेक करो आप, 946 किलो जूल पर मोल होती है। सबको समझ में आया? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या होता है, बेसिकली तीन बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया? और उनको तोड़ने में बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में एनर्जी लगती है। ये हो गया बॉन्ड। अब दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद अपन आज की थ्योरी को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी को लेके, ध्यान से सुनना उसको। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल शोज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये तो भैया बहुत ही मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है लेकिन बड़ा आसान है, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा।
तो आई विल टेल यू क्या होता है इसका मतलब। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और उनकी जब आप बॉन्ड एनर्जी निकालते हो तो वो एवरेज कैलकुलेट होता है उसका। कैसे, मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के तौर पे, सपोज करो। और दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट को एक साथ ही सिखा दूंगा। पहला पॉइंट ये था कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो एवरेजली निकलती है। और दूसरी पॉइंट आपको फेवर करेगा उसी चीज को, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप जो भी स्टेप्स होते हैं हर एक स्टेप में एनर्जी वेरी करती है। अभी दोनों स्टेप ऐसे लग रहे हैं धक 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 हो रही है, पता नहीं क्या ही है, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता क्यों करते हो। पहला वाला ये था कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उनमें जो एनर्जी कैलकुलेट होती है वो एवरेज एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। घबराओ मत, आराम से समझो। और दूसरा, हर एक स्टेप में जब भी आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो एनर्जी वेरी करती है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, जरा ध्यान से इसको समझना, दोनों स्टेप में क्या मतलब है। एग्जांपल के तौर पे पानी, मैं पानी को लेके, अब पता है आपको पानी के अंदर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन दो बॉन्ड है। अब ध्यान से समझना, पानी के अंदर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन दो बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, जरा ध्यान से समझना मेरी कहने का क्या मतलब है, अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं तो पानी में ये भी OH बॉन्ड है और ये भी OH बॉन्ड है। समझ में आ गया? अब यहां पर अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि OH बॉन्ड की, ये जो OH बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे, पहले इसका कैलकुलेट करो, फिर इसका कैलकुलेट करो, और फिर उसका एवरेज निकालो, क्योंकि दोनों में सेम नहीं आएगा। बताता हूं क्यों, कारण देखो, मैं आपको दिखाता हूं, जरा आप ध्यान से चेक करना। मान लो कि ये पानी का मॉलिक्यूल था, एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ने के बाद ये OH माइनस और H प्लस अलग हो गया। ध्यान से समझ लो, एक बॉन्ड तोड़ा H प्लस एंड OH माइनस, इसमें कितनी एनर्जी है, 502 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी कहां से आई, एक्सपेरिमेंटल, जब आपने सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा है, जब आपने सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा है उस केस में जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है 502 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से, अभी तो आपने एक ही बॉन्ड तोड़ा है। तो आप ये मत कह देना कि पानी के अंदर OH बॉन्ड का जो एंथैल्पी है वो 502 होता है, नहीं, दूसरा बॉन्ड तोड़ो। अब अगर आप ये बॉन्ड भी तोड़ोगे, कौन सा वाला, जो दूसरा OH था, ये वाला बॉन्ड भी अगर आप ब्रेक करोगे, इन दैट केस H प्लस और O माइनस टू अलग होगा, तो उसके लिए एनर्जी कितनी है, 427। कहां से आई, ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ध्यान से समझो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। H2O में अगर कोई पूछे कि OH का बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है, तो आप पहले दोनों बॉन्ड को तोड़ो। एक बॉन्ड तोड़ने में यहां पर एनर्जी है 502, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में 427। अब आपको इन दोनों का एवरेज लेना है, समझ में आ गया? अब इन दोनों का जब आप एवरेज लोगे तो वो है आपकी OH बॉन्ड एंथैल्पी। मैं एवरेज लेके दिखा देता हूं, इन दोनों का एवरेज कितना होगा, 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, और वो कितना आएगा, दैट इज 464.5 किलो जूल पर मोल। और यही क्या है, OH का बॉन्ड एनर्जी है। समझ में आया सब लोगों को, यही OH का बॉन्ड एनर्जी है। दैट्स वेरी इजी जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो फाइनली ये जो डेटा आया है बेसिकली आपके पास, यही एक ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एवरेज एनर्जी है, और ऐसे ही निकालना होता है आप लोगों को। समझ में आ गया? इसी तरह से आप लोगों को एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया सब लोगों को जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी बात ध्यान से सुन लो फिर से। अगर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन कोई पूछ ले कि भैया यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, तो बेटा यहां बॉन्ड तो दो है, एक तो है नहीं, तो पहले बॉन्ड को तोड़ने में जहां पर 502 किलो जूल लग रहा है, तो दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में 427 लग रहा है। अब आप ओवरऑल इसको दो से डिवाइड करो, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करो, तो अब जो एनर्जी आएगी वो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी। ये बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और इसके ऊपर सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं जो बहुत कम बच्चों को पता होते हैं। अगली बार मैं सवाल आऊंगा। लास्ट है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दैट्स वेरी इजी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बेसिकली दो एटम के बीच में, ध्यान से समझो, दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। एग्जांपल के तौर पे, जरा आप ध्यान से समझना, एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, आप अगर मैं पूछूं कि देखो हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, एक, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, एक। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मान लो ऑक्सीजन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दो, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, दो। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तीन, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, तीन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मतलब निकलता है बॉन्ड ऑर्डर का। सबको समझ में आ गया? अब एक मजे की बात, नोट लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, लिख लो, काम आएगा। दोबारा समझाता हूं,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आप चेक करो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या मतलब होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, समझ में आया, उन्हीं को क्या बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन स्पीसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं अपन CO प्लस लिखा हुआ है, CO प्लस है क्या, नहीं ये एग्जांपल नहीं लेते अपन, कौन सा वाला एग्जांपल लें, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं बताओ मुझे, NO कितने हो गए ये 8, सॉरी इसमें 6 और 5 टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 कितना होता है 15, एक तो ये वाला एग्जांपल, अच्छा मैं NO प्लस कर दूं और N2, हाँ ये एग्जांपल ले लो, ये देखो मैं अगर पूछूं बताओ कि NO प्लस और N2 इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो पता है इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सेम, और वो भी कितना होगा 3, क्यों, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है, जरा चेक करो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, N2 में एक नाइट्रोजन में कितने हो गए बेसिकली 7, तो दो में कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, इस नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, 8 और 7 कितने होते हैं 15, लेकिन एक प्लस का साइन भी लगा हुआ है जिसका मतलब एक कैंसिल हो गया, तो यहां पर 14। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होएगा सेम होएगा, सबको समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल दे देता हूं, मेरे पास और भी एग्जांपल है, ये तो मैंने मेरी तरफ से दिया था, एग्जांपल जरा चेक करो, हे वी हैव वन मोर एग्जांपल, जैसे कि F2 and O2-, F2 और O2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो, यहां पर F2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जरा आप चेक करो 18, O2- में कितने होते हैं O2-2 में 18 ही होते हैं, क्योंकि 16 और 2 18 हो गए, तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, F2 में क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, तो पक्का O2-2 में भी कितना होगा 1 ही होएगा, सबको समझ में आ गया, वो पेरोक्साइड है 1 ही होएगा, पेरोक्साइड है वो, समझ में आ गया। F2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, एक ही बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसी तरह से अगर O2-2 की बात करो जो कि पेरोक्साइड बॉन्ड है तो एक ही बॉन्ड होता है, समझ में आ गया। तो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 ओनली, समझ में आ गया सब लोगों को, मैं दोबारा समझा देता हूं, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे, अगर F2 की बात करो तो 18 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड कितने हैं सिर्फ एक ही होता है, F2 में एक ही बॉन्ड होता है, O2-2 बेटा ये पेरोक्साइड है, यहां पर ही बॉन्ड आपको एक ही दिखाई देगा, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, बहुत सिंपल, एक सिंपल सा ट्रिक बताया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे, ध्यान से समझो, यहां पर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर जरा ध्यान से चेक करो, ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान से चेक करना, ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 3, ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, जबकि बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, याद रखो। और मजे की बात, बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में और भी ज्यादा, समझ में आ गया। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटती है, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको तोड़ने में। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फाइनली अगले वाले लेक्चर में फजान रूल करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर आपका किसका होगा, फजान रूल का, लेकिन उससे पहले चलो सवाल सोल्व करते हैं। अब जितने क्वेश्चन के आप लोग, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसके बिहाफ पे आप लोगों को आंसर देने, और अगर आप लोगों ने आंसर दे दिए तो बल्ले बल्ले। तो पहला सवाल है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, चार ऑप्शंस आपके पास है, H2O BeF2 CH4 एंड आपके पास है NH3, तो जवाब दो, कौन जवाब देगा जल्दी देखें हम लोग सवाल का जवाब दो। पहला सवाल है आपके सामने कि इनमें से स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, जल्दी से जवाब दो, शाबाश, देखिए कितने लोग जवाब देते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं जिसको नहीं पता, और इन सब चीजों को अपन वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ेंगे, आगे आगे आएगा, डोंट वरी, बट ओवरऑल अभी मैंने आपको एक बार तो बता ही दिया था, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। यहां पर मैं आपको कहूं, अगर कोई सवाल पूछे ना कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल,
स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करे, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा, जिसके पास क्या होंगे, एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, समझ में आ गया। और वो भी अगर आप देखें, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर अगर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ये लिख लो काम आएगा, अगर लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। अब आप यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, दो दो लोन पेयर है, समझ में आ गया, इसके पास तो एक भी नहीं है, CH4 में कार्बन के पास एक भी नहीं है, यहां पर BE के पास एक भी नहीं है, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। तो जहां पर बॉन्ड, जहां पर लोन पेयर ज्यादा होते हैं उसकी बॉन्ड एंगल कम होती है, आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर होगा इसका ए। और वैसे भी पानी के केस में अभी आप पढ़ के ही आए थे, CH4 के केस में बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 109.5, अमोनिया केस में कितनी होती है, 104 के करीब पढ़ी थी आपने, 104 होती है, 107 होती है, यहां पर 180 होती है, BF2 में कितनी होती है, 180, और सबसे कम किस में निकल के आएगी, पानी में। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता देता हूं, जरा आप ध्यान से चेक करो, बहुत बढ़िया आंसर इसका क्या होगा, वाटर। और यहां पर देखो BFT BEF2 की बात करें तो 180 डिग्री, अमोनिया की बात करें तो 107, मैं सही था 107, इसमें 104 होता है और यहां पर 109.5 होता है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया। सबसे कम बॉन्ड एंगल वहां पर होगा जहां पर लोन पेयर ज्यादा होंगे, लोन पेयर कहां पर ज्यादा है, पानी के पास, पानी में ऑक्सीजन के पास, सेंट्रल एटम के पास ज्यादा होने चाहिए। तो इन दैट केस अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के बाद दो दो लोन पेयर है, तो यहां पर आपका रिपल्शन बेसिकली ज्यादा होगा जिससे बॉन्ड एंगल घटेगा, तो सबसे कम यहां पर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड क्राइटेरिया फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, पूछा गया कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है, दैट इज अ क्वेश्चन ओनली, ये चार है आपके पास, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है, दैट इज अ क्वेश्चन ओनली। तो देखो यहां पर आप लोग जवाब दो, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है, लो डेल्टा एच ऑफ केटायन, डेल्टा एच का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन, बोथ ए एंड बी, या फिर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ केटायन, इनमें से क्या आंसर बनेगा, जरा सोच के बताओ मुझे। अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, सी, यस, सही नहीं है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, आंसर क्या बनेगा इसका, सी। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन इज Not good. इनमें से क्या चीज अच्छी नहीं है, ये तो अच्छी है, समझ में आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ही होनी चाहिए, है ना, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली ज्यादा होनी चाहिए, ये भी सही है। तो अब आते हैं सी पर, सी पे क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, ये गलत है, तो यही आंसर बनेगा इसका, समझ में आया, चलो तो फाइनली आंसर इसका होगा सी मैंने कैट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, विच अमंग दी फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर 3 बिटवीन एनी टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल, इनमें से बॉन्ड ऑर्डर 3 किसका है, CO2 में, BF3 में, SO2 में, या फिर CO के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर किसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, दैट इज अ क्वेश्चन ओनली, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 किसमें है, जल्दी से बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 3 किसमें, CO2, BF3, SO2, यानी कि या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सिंपल है, आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज CO2, है ना, आंसर क्या बनेगा, सॉरी CO2 नहीं, CO2 में तो डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड पूछा ना आपसे, वो होगा CO, आंसर क्या बनेगा, D, तो सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एवरीबडी न्यू दिस। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है, BF3 में सिंगल बॉन्ड होता है, SO4- का ये था, तो उसमें एक जगह डबल है, एक जगह सिंगल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सवाल काफी अच्छा है, पूछा गया है विद एन अजम्पशन इफ NH3 ब्रेक्स इनटू ईच एटम हैविंग 200 किलो जूल, 175 किलो जूल, 135 किलो जूल, विच वैल्यू इज कंसीडर्ड एज द बॉन्ड एंथैल्पी, बहुत बढ़िया सवाल है और सिंपल क्वेश्चन भी है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ध्यान से समझो क्या कहता है, वो ये कहता है आपसे, क्या कहता है भाई, वो ये कहता है आपसे कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है, पहले बॉन्ड को तोड़ने में अगर 200 किलो जूल एनर्जी लगती है तो दूसरे बॉन्ड को 175 किलो जूल और तीसरे बॉन्ड को 135 किलो जूल, ये 3 एनर्जी है। अब सवाल ये पूछ रहा है, इन डेटा को देखते हो आपको क्या लगता है कि नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी
कितनी होनी चाहिए? 200, 135, 175 या 170? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, 200 का, 175 का, 135 का एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो इन तीनों का एवरेज होगा ना, तो तीनों तो आंसर नहीं हो सकते, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। और इनका एवरेज निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? डी बने डॉगी। फाइनली आंसर क्या होगा? डी, एवरेज निकालो। वही किया मैंने आपसे पहले बताया भी था, अगर ये 200 है, 175 है, 135 है, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, 170 आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, दैट्स इट। चलो बहुत बढ़िया, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन CH4? अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है? ये दैट इज द क्वेश्चन ओनली। अमोनिया में व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है अमोनिया में? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है? जल्दी से बताओ, शाबाश। अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है? चार ऑप्शन देते हैं आपको, 104.5, 109.5, ठीक है, उसके बाद अभी 120 एंड 118। अब मैंने आंसर ही बता दिया, दैट इज बी। फाइनली आंसर क्या होगा? 109.5। मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे आता है, मतलब 5 नहीं है वो 28 होता है, बेसिकली वो डिग्री में दे रखा है, सेकंड में निकालोगे तो 28 होता है, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? 109.5, दैट इज द आंसर ओनली। तो 109.5 होता है, बेहतरीन। जितने आज हमने ये सवाल पढ़े उसके हिसाब से आप लोगों ने जवाब भी दिए, अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया। अब आपको होमवर्क देता हूं, डू दिस एट होम। आपका पहला सवाल जरा चेक करो, हाउ टू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। पहला सवाल ये है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से आप इनको आपस में कोरिलेट करोगे, पहला सवाल घर पे करने के लिए। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये ढूंढना है। ये दो सवाल आपको मैंने दे दिए होमवर्क के तौर पे, दिस इज योर होमवर्क मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तुम्हारा होमवर्क है जो आप लोगों को घर पे करना है, आराम से बैठ के तसल्ली से करोगे, ठीक है। हर्ष क्या चल रहा है बेटा, ये कोई वो प्यार का पंचनामा चल रहा है क्या जो यहाँ पे लगा हुआ है? चलो तो फाइनली आपको समझ में आया, यस फाइनली। See you in next class, मेरे प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फजान रूल। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग वाकई में इस चैनल से, है ना, और इस फैमिली से प्यार करते हो तो इस सेशन को लाइक करो। दिल जिसका बड़ा है लाइक वही करता है। सो लाइक कौन करेगा? Who is the like? कितने लाइक हो गए जरा देखें, लाइक कौन करेगा? दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वी आर ट्राइंग कि भैया आप लोगों को फटाफट से आपकी बायो की टीचर जो कि आ चुकी हैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है उनकी, जैसे ट्रेनिंग पूरी हो जाती है हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी चैनलों के जैसे नहीं होता कि हम बेस्ट टीचर लाएंगे, और बेस्ट टीचर को खरीद खरीद के ले आते हैं। अरे बेस्ट टीचर लाने हैं तो तुम लोग भैया बेस्ट टीचर लाने हो, हम ट्रेनिंग हम देते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, और खरीद खरीद के ले जाके बोलते हैं हम बेस्ट टीचर लाएंगे। अगर तुम इतना ही हो तो खरीदो मत ना, तुम अपने बना के दिखाओ, क्योंकि वेदांतों में ट्रेनिंग होती है टीचर की, अच्छे से ट्रेनिंग करवाई जाती है। और एक और बात मैं आज के यूथ के लिए बोलना चाहता हूं, मेरे को बड़ा अफसोस होता है, आज का यूथ है ना मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं, उसे पैसा मिल जाए, और इसीलिए तो कुछ एक ऐसे सेंटर्स हैं जो कि बस पैसा फेंको और तमाशा देखो, तुम्हें पैसा देंगे पैसा देंगे, तो वो ऐसा लगा हुआ है। मेहनत करो बेटा। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी हिस्ट्री बता दूं आपको थोड़ा सा, मैंने अपनी पहली जॉब 11,000 रुपए में, 11,000 रुपीस मेरी जो पहली जॉब थी वो 11,000 रुपए पर महीना थी, महीना। आज कल जो बच्चे हैं जो आज नई नई इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको बहुत बड़ा बड़ा पैकेज चाहिए, लेकिन काम नहीं करना, बर्डन नहीं आनी चाहिए, मतलब ऐसा मुझे कई बार अफसोस होता है इस चीज को देख के। और कुछ एक ऐसे सो कोल्ड लीडर बनते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कि भैया हम बेस्ट टीचर लाएंगे, अरे बेस्ट टीचर को खरीदना बंद करो भाई, वेदांतु टीचर बनाता है, बाकी सारे टीचर खरीदते हैं, समझ में आ गया? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदांतु एंड बाकी, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। हम लोग टीचर बनाते हैं, वी आर मेकिंग डिफिकल्ट, वी आर एक्चुअली बिल्डिंग द टीचर्स, टीचर्स करेक्टिसिटी, वी आर चॉइस, वी आर द टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस बाय द वे, है ना। सो ये वेदांतु का डायलॉग है जो बाकी लोग कॉपी करते हैं। फाइनली चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बच्चों लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप लोग अभी 2021-22 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हियर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 2800 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की फीस है, ठीक है। अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ए प्रो कूपन कोड है जिसको यूज करो, और बस उसके बाद कम ऑन डूड,
एंड फाइनली फीस बहुत कम है, चाहो तो ज्वाइन कर लेना और हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। 2019 का व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला है, काफी अच्छी ऐप है जिससे आप केबीसी तक भी पहुंच सकते हो। एंड टेलीग्राम का हमारा ग्रुप वेदांतो नीट ऑफिशियली हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 50,000 ज्यादा बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। सो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज आप जरूर कर लेना। एंड फाइनली सब्सक्राइब द चैनल बच्चों, यस सब्सक्राइब द चैनल, है ना, ये अपनी फैमिली अपना परिवार है और हमें इसे आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर आज हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, है ना। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइज, डू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।